शलोम अल मसी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आपने टुन्नी की टिड्डी छलांग पार्ट वन में देखा कि किस तरीके से टुन्नी आया और वो ये बोलता है कि आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके श्लोकों को पढ़ते हैं, उनके अर्थों को पढ़ते हैं, पर उसका भावार्थ, उसकी जो कहने का मकसद है, उसको आप नहीं समझते। बेचारा जोर दे के ये समझा रहा था कि जब ईश्वर औरत से नहीं बच सका तो इंसान की औकात ही क्या है। और हमारा कहना यह है कि भाई, जो ईश्वर खुद अपनी सृष्टि पे फिसल से जाता है तो ऐसे ईश्वर को मानने की जरूरत क्या है। पर खैर, कौन समझा सकता है इन गोबर बुद्धि लोगों को। जब भाई शिव और मोहिनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करा था तो हमने उनको तीन कहानियों के बारे में बताया। एक तो जो श्रीमद् भागवत में लिखी है कि शिव के वीर से सोना चांदी बन गया। उसके बाद शिव पुराण के अंदर लिखा है कि शिव के वीर से हनुमान जी का जन्म हो गया, और वो खुद ही बता रहा है कि शिव के वीर से क्या होता है, अयप्पा का जन्म होता है। एक ही कहानी के तीन अलग अलग वर्जन की बात करें, और उसके बाद उसको बचाने के लिए वो कूदा आनंद रामायण में। जब हमने उन भाई साहब से पूछा कि आनंद रामायण किसने लिखी, तो भाई साहब को यही नहीं पता कि आनंद रामायण लिखी किसने। और बात करते हैं ज्ञान की कि भैया आपको ज्ञान नहीं है और हमारे पास ज्ञान है, भैया ऐसे घंटा ज्ञान को हम करें क्या। और जब भाई अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाया तो कूदा वो बाइबल के ऊपर, जीसस के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें बात। और जब भाई ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया तो फिर तो धुलना उसका लाजमी था, और हमने पकड़ के कर दी उसकी धुलाई। वो जो ईसाई भाई ये कह रहे थे कि आप लोग इनको बोलने का मौका नहीं देते, भाई हम लोग ने तो बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि बाइबल कहती है, अपने मोती जिनके सामने नहीं डालना, हमने उन्हीं के सामने डाला और उन्होंने पलट के क्या करा, वो आपको इसमें साफ साफ दिखाई देगा। खैर, वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जो भी रेफरेंस इस वीडियो में दिखेंगे वो आपको मेरे सोल्जर ऑफ गॉड टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पे क्लिक करिए, सीधा मेरे सोल्जर ऑफ गॉड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से रेफरेंस उठा के एंटोनियो के मुंह को बंद कीजिए। तो और समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अच्छा, अब आप इस टॉपिक पे आ रहे हो। तो भाई, आपको कैसे पता चला कि ये वाल्मीकि ने लिखी है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण खुद वाल्मीकि ने लिखी है, उसका सबूत हमारे पास है। ऐसा? अब रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना? जी, जी, जी। पढ़ो भाई, क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, हिंदी तो आती होगी आपको। भैया, वाल्मीकि रामायण है ये। वाल्मीकि रामायण की का इंट्रोडक्शन समझ लो आप, अनुवादक की सूचना है। ये बुक का पीडीएफ है। एक मिनट, मैं बोला कि प्लीज इसको रीड कीजिएगा कि मेरे को एक्चुअली जिम फिर दिख रहा है सर। हाँ, प्लीज रीड कर सकते हैं? जी जी जी। उनके छत्र की सभा में हूँ जब भूमिका देना पड़ती है। सॉरी, वापस बोलिए। सॉरी, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं ये इधर लिखा है, इस ऐतिहासिक ग्रंथ रत्न कोश ही वाल्मीकि रामायण की भूमिका है। यह भूमिका स्वयं आदि कवि की लिखी हुई नहीं है। आदि कवि कौन? वाल्मीकि। ओके, आगे आगे पढ़िए पढ़िए, ठीक है ना? भूमिका कहाँ गया? लिखी हुई नहीं है यह भूमिका, स्वयं आदि कवि की लिखी हुई नहीं है, प्रत्येक उनके किसी शिष्य या प्रति शिष्य की लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण खुद कह रही है कि वाल्मीकि रामायण जो है आदि कवि की लिखी हुई नहीं है। ओके, ठीक है ना? शिष्य का नाम पता है आपको? भाई वो तो आप बताओगे ना, हम क्यों बताएंगे? कौन से शिष्य ने लिखी है आप बताओ? लव और कुश, वो कौन है पता है आपको? कौन? लव और कुश। लव कुश ने लिखी है? लव कुश ने लिखी है? लव कुश ने लिखी है? उनने बताया है। लव कुश ने लिखी है? लव कुश ने लिखी है? लव कुश ने लिखी है, इसका आप प्रमाण दे सकते हो? क्योंकि खुद वाल्मीकि को नहीं पता था कि रामचंद्र जी कौन है। क्या यार? अरे रुक जाओ आप अरे अरे रुक जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण सर्ग एक से शुरू करते हैं। एक मिनट, एक से आठ नंबर पे। हाँ, पढ़ के सुना दे इनको। बताइए बताइए, ये पढ़ लेते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। स्क्रीन शेयर हो गया। एक मिनट हुआ, नहीं तो हाँ स्क्रीन शेयर हो गया आपका, वो देखिए। हाँ, जरा पढ़ के सुना दो भाई। दिखा?
कौन सा है सर? एक श्लोक एक से शुरू हो जाओ। वाल्मीकि थोड़ा साइड करो भाई, स्लो कर वो उसका वो कट गया। हाँ पढ़ के सुनाओ भाई इनको। भाई पढ़ के नहीं, तुम पढ़ो भाई, खुद ही पढ़ लो, हम क्या पढ़ें? कहाँ पे पढ़ो मैं उसे तो बताइए। अरे एक से शुरू हो जाओ। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूं सर? क्या स्क्रीनशॉट? एक से पढ़ना शुरू करो। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अरे वो तो हम भेज देंगे, आप एक से पढ़ो तो। अरे सर दिखे तो ना पढ़ो सर। चलो मैं ऐसे सुना दूं। रुकिए एक काम कीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूं, स्क्रीन भी शेयर करता हूं। इसमें ऐसा होता है, श्री वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसने वो जो वीर्यवान हो, धर्मयज्ञ हो, कीर्तिवान हो, सदाचारी हो, दृढ़ व्रत हो, अनेक प्रकार वो जो है, तो ये कौन सा व्यक्ति है? तो श्री फिर जो नारद मुनि है उनको कहते हैं अरे वो तो श्री राम हैंगे। फिर वो पूरी की पूरा उनको कंटेंट देते कि ऐसी ऐसी कहानी है, आप ऐसा ऐसा होगा, फिर वो होती है। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि वाल्मीकि जी के घर में लवकुश और सीता रहते हैं इसी कहानी के अंदर, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके पति श्री राम इतने बड़े महान वो हैं। किनको नहीं पता था ये चीज? वाल्मीकि जी को। ओके, उनके उनके हस्बैंड हाँ बोले। हाँ तो भाई उन्होंने लवकुश को और सीता को अपने घर में रखा था ना। हाँ पर उनको नहीं पता था, पर उनको नहीं पता था कि श्री राम इतने बड़े महान हैं, इतने बड़े कीर्तिवान व्यक्ति हैं और उनकी रामायण को लिखना है। फिर वो जब इसे लिख लेते हैं, जब वो करते हैं कि अब मैं इसे सुनाऊंगा तो किसे रटाऊंगा, फिर वो लवकुश को बुलाते हैं। उन्हें तब भी नहीं पता कि इनके डैडी के बारे में ही इनको बता रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो जब वाल्मीकि को ही नहीं पता कि रामायण राम कौन है, तो और लेखक खुद इसमें कह रहे हैं कि किसने लिखा उसको पता नहीं है कि वाल्मीकि की आदि कवि की लिखी भी नहीं है, तो काहे कि आप किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट सर, अभी बताता हूँ कि नॉलेज जो है ना, हाँ उसका कुछ समय नहीं होता सर। अरे भैया, अरे भैया एक बात बताओ, सुनो मैं आपको बोलूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, तो किसका नाम लोगे? राम। राम का लोगे? ठीक है। अब वाल्मीकि जी को खुद नहीं पता कि उनके घर में जिनकी पत्नी और बच्चों को उन्होंने रख रखा है, उनके पति श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है ना? तो अब वो पूछ रहे हैं नारद जी से, फिर नारद जी बताते अरे वो तो राम है। तो इसका मतलब वाल्मीकि जी खुद राम को नहीं जानते थे कि राम कौन है, फिर उसकी कहानी वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। ओके, है ना? मैं अगर जीसस को नहीं जानता, हाँ भैया भैया एक बात बताओ, वाल्मीकि जी भारत में रहते थे ना? वाल्मीकि जी हिंदू थे ना? वाल्मीकि जी हिंदू थे ना? अगर आप भारत में रह के राम के बारे में पूछ रहे हो तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। एक बात बताइए सर, हाँ कि आप जहाँ पे जीसस रहते थे इतने बड़े वो भगवान के, हाँ देखो मेरी फैमिली तब तक तो थी नहीं, पैदा हुई नहीं थी, ठीक है ना? तो मेरी फैमिली से कोई नहीं। अरे भाई थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है ना? आप कह रहे हो कि इंडिया में रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए था। हाँ एक बात बताइए, इंडिया का ये है मतलब क्या कि कोई इंसान को कौन उत्तर प्रदेश में रहता है, हाँ के बारे में तमिलनाडु में खबर होगा? तुम इंडिया में रह के भारत के प्रधानमंत्री का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? कि कहोगे नाम मुझे तो नहीं पता इंडिया में रह के। मैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानता हूं। श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं थे? अरे प्यारे भाई चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं थे? अरे भाई अच्छा चलो छोड़ो सारी बात, एक सेकंड और रुक जाओ, मैं तुम्हारे को एक और कहानी सुनाता हूँ। अरे रुक जाओ ना। अच्छा ये बताओ कि जो रामायण थी वो सीता के कारण हुई थी कि द्रौपदी के कारण हुई थी? रामायण सीता के कारण हुई थी या द्रौपदी के कारण हुई थी? अरे यार ये द्रौपदी उसके बाद की स्टोरी है। पक्का 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 पक्का
आप पता कीजिए सर। नहीं भाई मुझे तो पता है, आपको पता है? मुझे पता है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि वाल्मीकि रामायण जो रामायण जो है द्रौपदी के कारण हुई तो मानोगे? नहीं मानूंगा। बोले मैं एक रेफरेंस बताता हूँ, आप जाके पढ़ लो, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। ये है कि श्रीमद देवी भागवत में है ये कहानी, देवी भागवत। हाँ ठीक है, अब बोलिए बोलिए बोलिए। है ना, देवी भागवत है आपके पास? हाँ हाँ, नहीं देवी भागवत नहीं, आप बताइए। एक मिनट जाओ, मैं जरा उसका रेफरेंस निकाल लूँ, कहाँ चला गया। एक बात बताइए सर। हाँ जी, हमारे कॉन्सेप्ट हमको पता है ना पूरा जब का? भाई हम, मेरे को सारा कॉन्सेप्ट पता है, अभी पूरे रुक तो जाओ। तो करें। हाँ मुझे पता है, पति किसके किसके वो थे, वो कौन पिछले नाम क्या थी द्रौपदी? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या थी द्रौपदी? तो ये पता कीजिए सर, फिर क्वेश्चन कीजिए। मेरे को पता है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरे को एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा रेफरेंस निकाल दूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देवी भागवत भाग एक स्कंद 9-16, ठीक है ना। इसके अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शायद वेदवी है शायद उसका नाम। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ नाम में, वेदवी है या कुछ इस तरीके है। तो होता यह है कि वो लड़की पैदा होती है, और पैदा होती है वो वेद के मंत्र बोलने लगती है पैदा होते ही, ठीक है। और उसके बाद वो सीधा चल के तपस्या करने बैठ जाती है। ओके, फिर क्या होता है कि जब वो जवान हो जाती है तपस्या करते करते, तो रावण आता है। रावण आके उसके साथ उसको टच करने की कोशिश करता है, फिर वो उसको श्राप दे देती है, यदि तू मुझे टच करेगा तो तू मारा जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, देवी जो वो होती है, फिर रावण चला जाता है वहां से। फिर अगले जन्म, हाँ हाँ, फिर वो क्या होता है, अगला जन्म होता है उसमें वो सीता बन जाती है। फिर क्या होता है कि जब रामचंद्र जी जा रहे होते हैं तो उनको अग्निदेव से मुलाकात होती है। मैं, ये रेफरेंस है मेरे पास, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि जब अग्निदेव मिलते हैं रामचंद्र जी, वो कहते हैं भैया ऐसे रावण उठा के ले जाएगा, एक काम करो तुम सीता को मुझे दे दो और फोटोकॉपी तुम रख लो उसकी छवि। कौन से रामायण में लिखा है ये? भाई देवी भागवत में लिखा है, देवी भागवत उसके बाद लिखा गया। रामायण की बात रामायण में कीजिए ना सर। भाई अभी तो रामायण किसने लिखी वही तुम्हें नहीं पता, और अभी तो गीता किसने वो बोली वो तुम्हें भी नहीं पता होगा। रामायण जो है साफ साफ लिखा गया है, वाल्मीकि ने लिखा। मैंने है। अभी आपको दिखाया कि वाल्मीकि ने नहीं लिखी। अरे सर, अरे भाई सर, मैं तुम्हें सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। वाल्मीकि ने लिखे तो कौन लिखी है? वो तो तुम मुझे बताओगे ना भाई, मैं बताऊंगा कि तुम मुझे बताओगे भाई। धार्मिक किताब तुम्हारी है कि मेरी है? आपको मेरी बात पे विश्वास होगा? है हाँ, मेरी बात पे विश्वास करोगे? हाँ बोलो। हाँ वाल्मीकि ने लिखी, आप विश्वास कीजिए। तुम्हारे स्कॉलर कह रहे नहीं लिखी, तुम स्कॉलर हो? स्कॉलर नहीं कह रहे मेरे, मैं बकायदा रेफरेंस तुम्हें दिखा दिया, उसमें साफ कह रहे आदि कवि ने नहीं लिखी, उसके किसी शिष्य परिशिष्य ने लिखी है। तो तुम्हारी बात तो खत्म, ठीक है ना, तुम्हें यही नहीं पता किसने लिखी। एक बात बताओ हाँ, तो वहाँ पे वो नहीं थे क्या? कहाँ पे? आपके भी जो लिखा गया है। हाँ हाँ, जीसस तो नहीं लिखा है? जीसस ने तो कुछ भी नहीं लिखा है बुक में, तो जीसस ने एक भी नहीं लिखा है। जीसस ने तो नहीं लिखा है? जीसस की बात, जीसस का है ये? अरे आपसे मैं वाल्मीकि की पूछ रहा हूँ, जीसस पे कहाँ जा रहे हो? आपको मैंने अभी दिखाया कि आदि कवि की लिखी भी नहीं है, बात खत्म। तो क्या आदि कवि के पास हो रही थे क्या? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि राम कौन है? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि राम कौन है? अरे सर ज्ञान जो है, अरे ज्ञान ज्ञान क्या ज्ञान क्या ज्ञान, उन्हें तो यही ज्ञान नहीं था कि श्री राम, जिनकी बीबी बच्चे उन्होंने घर में रखे, वो ही श्री राम के बारे में मुझे कहानी लिखनी है, ये तो इतना तो पता होगा। अरे सर ऐसे तो मेरे को भी नहीं पता था कि उनका बच्चा किससे हुआ है। क्या, क्यों नहीं पता था? उनको पता था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हुआ। अरे ऐसे तो श्री, ऐसे तो उनकी माता को भी नहीं पता था श्री राम की, कि वो राम कैसे पैदा हुए, खीर से हुए कि घोड़े से हुए, बोलो। अब उनको नहीं पता ना, जैसे आपको नहीं पता चल रहा है। अरे जैसे आपको नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि श्री राम घोड़े के साथ नियोग करके पैदा हुए, आपको पता है बात? अरे सर पहले पता कीजिए। अरे भाई मेरे पास तो श्री वाल्मीकि रामायण पड़ी है, मैंने तो इस पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना।
ठीक है ना, घोड़े के साथ नियोग करके। हाँ मैंने तो वीडियो बना रखी है, मैंने तो बकायदा रेफरेंस के साथ चढ़ा रखा है, ठीक है ना। अरे आप अब आप मेरी सुनिए, अब आप मेरी सुनिए, ठीक है ना। आप अब आप जो आप आपके वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी, अच्छा ये बताओ कि श्री गीता जो है इसमें टोटल कितने श्लोक है? क्या क्या नहीं पता कितने श्लोक है, मैंने नहीं पता है। जो आपके हाथ में जो भावी गीता है उसमें 700 श्लोक है। अरे गीता की बात कर रहा हूँ, भागवतम में कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा गीता में 700 श्लोक है। सूरज भाई इनको जरा महाभारत का भी रेफरेंस दिखाओ। 620 श्लोक है। किसने कहा? लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ दिखाओ। टोटल मिला देखिए, सुनिए 620 केशव श्लोक है। भाई दो एक्स्ट्रा हो गए, 20 एक्स्ट्रा। चलो चलो चलो, हाँ दिखाओ। सुनिए तो खरी। 620 इसके हैं, केशव के, कृष्ण भगवान के, अर्जुन के 67, संजय के 67 है। संजय मतलब कौन आपको पता है ना? हाँ हाँ मुझे पता है। देखो प्रभु पादा जी वाली पकड़ी। अरे किसकी गीता लूं मैं? अच्छा ओरिजिनल गीता कौन सा? अच्छा देना जरूर। हाँ तो वो पहले दे दो मेरे को, छोड़ो पहली बात, पहले गीता के 745 हाँ रिसर्च कर लो आप आराम से रिसर्च कर लो, ये आपको मिलेगी नहीं क्योंकि 45 श्लोक है नहीं। ठीक है नहीं है फिर आगे। हाँ तो आधे श्लोक कहाँ है, वो 45 कहाँ है? आपको क्या, आपको पढ़ने का है क्या? अरे मेरे को, हाँ तो मुझे आधी अधूरी किताब को आप ज्ञान बता रहे हो, वो ज्ञान तो खुद श्री कृष्ण भूल गए थे। सुनिए गीता का निकलेगा है, गीता का है क्या सही? गीता का एक श्लोक समझाओगे? गीता खोल पड़ेगी। हाँ खोल लो भाई, मैं बैठा। चलो मैं आपको सुना बोलते के सुनाता हूँ, मुझे फिर समझाना। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 ठीक है, यहाँ लिखा है, हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पे साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। चलो इसका मतलब समझाओ मेरे को, क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण? आपको इसके पीछे की स्टोरी पहले बताना चाहिए, क्यों मतलब कोई करने को कहा? हाँ 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 मुझे समझाओ। एक तो आपकी भाई आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई। हाँ मैं जरूर करूंगा, एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। अरे एक मिनट रुक तो जाओ भाई। हाँ मैं एक मिनट बताता हूँ कहाँ गया। हाँ गीता कहाँ चला गया? हाँ गीता अध्याय 2 श्लोक 37 यहाँ पे कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पे राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ओके, ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शायद कहा ये चीज, या फिर उनको भी कह सकते हैं, बट मेरी सबसे अर्जुन को कहा ये चीज। कुंती पुत्र कौन हो सकता है आपको नहीं पता? भाई उनके पांच कुंती के पांच पुत्र थे, ये किसको कह रहे हैं? तो उसमें दिखा होगा ना अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो फिर क्यों घूम रहे हो जब खुद ही कह रहे हो? अर्जुन सुनिए तो सही, अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन मतलब तुम्हारे साथ जितने लोग रहते हैं क्योंकि उनसे उनने पांच को मांगा था नहीं दिया, ठीक है? हां हां पता है ना, हां हां आपको युद्ध नहीं करना पांच गांव से ही,
उनके पास इतना है कि ये कर सकते हैं, बात कर दीजिए यूजर, लेकिन उनको नहीं था मींस पाप, मतलब क्या बोलते हैं, पापियों का राज कहाँ पे रखना ही था, तो पाप को हराने के लिए ये चीज जरूरी थी। हो गया, और कुछ भी बताना, बता लो बता लो। हाँ तो मैं कह तो दिया कि फायदा जरूरी था इसलिए। अच्छा क्योंकि देखिए सुनिए अभी बताता हूँ, अर्जुन जो है वो अपने फैमिली के ऊपर गांडी नहीं चलाना चाहता था, वो उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, सीधी सीधी बात है, उनको फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन अभी उस समय जब उनके वाइफ के साथ गलत चीज हुआ, उनको जब छेड़ रहे थे, तब उस समय वहाँ पे किसी ने भी नहीं बोला, क्यों तो उनकी भी गलती थी कि उनने भी नहीं बोला, हाथ पीछे करके रह गए, कृष्ण भगवान ने इस चीज का भी उनको कहा है इसमें, तुम तो हाथ पीछे करके, तुम्हारी भी गलती है, मगर धर्म की स्थापना करने के लिए जो ज्यादा गलती लग गया। आवाज कट रही है भाई। हेलो साहब, ठीक कहा है कि धर्म की स्थापना करना है, धरती पर वापस आना। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जिहाद करने को कह रहे थे। जिहाद सर आपकी और आपके वो नेक्स्ट जो पैगंबर आए ना, हमारे कोई पैगंबर नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तो रेफरेंस के साथ बात करूंगा। अरे सुनोगे, पैगंबर आपके वाले नहीं है? नहीं हमारे नहीं है, तो नहीं है, किस नहीं बात है? अरे नहीं है भाई, इस्राएल में कॉन्फ्लिक्ट किस बात की होती है? इस्राएल में वो झगड़ा किस चीज का है? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने इसराइल की जमीन पे कब्जा मार लिया था, वहाँ पे मस्जिद बना रखी है बस। वही अरे अभी सुन तो लो यार, अभी सुनोगे, अभी पहले अपनी महाभारत में आ जाओ। अभी पैगंबर मोहम्मद कहाँ जा रहे हो यार? अरे सुनो, महाभारत शांति पर्व अध्याय, अरे सुनोगे, अध्याय 93 श्लोक 46 सुनो। बोलिए, सुनो पूरा सुनो, ये तुमने पढ़ लिया ना, बकवासी वो नहीं करो। युद्ध स्थल में मारे गए वीरों की ओर सहस्त्र सुंदर अप्सराएं आकाश में आकाश आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ती हुई कहती है, ये मेरा पति हो जाए, ये मेरा पति हो जाए, मतलब फिर आता है प्राशर स्मृति, प्राशर स्मृति अध्याय 3 श्लोक 36 से 37। जिस वीर पुरुष की शरीर में बाण और मुद्रक से लाठी से चोटों से घाव हो जाते हैं और देवता की कन्याएं अपने सब देवताओं की कन्याएं अपने साथ लेकर उन्हें उनके साथ विहार करती हैं। 37 हजारों देव कन्याएं रण में मारे हुए वीर के लिए निकट ये कहती हुई दौड़ी आती है, ये मेरा पति हो जाए, ये मेरा पति हो जाए। ओके। अब जो देखो, जो जिहादी होते हैं उनको जन्नत में क्या मिलती है? एक मिनट, तो आपकी जन्नत में क्या है सर? मेरी हमारी जन्नत में तो कुछ नहीं है भाई। आपकी जन्नत में नहीं है? हमारी जन्नत में कुछ भी नहीं है भाई, शर्त है, चैलेंज है। क्या बात है सर? क्या बात है, पर आपकी जन्नत में हजारों अप्सराएं आती है। पहले अगर देखो, हाँ पहले ये जान लो कि कुरान बाइबल का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना? कहाँ लिखा? चलो दिखाओ 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 अरे दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आज सूरज भाई प्लीज शेयर द स्क्रीन करो, इनको दिखाओ। क्या चीज बोलिए? वो वही वाला? कौन सा वाला? बोलो भाई बोलो। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके हाँ हाँ, ये रहा क्या है? एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है? आई एम नॉट लर्नेड। अच्छा चलो एक काम करो सूरज भाई, डिट्रोनॉमी 18:18 खोल दो। डिट्रोनॉमी 18:18 एक मिनट। हाँ और 19 तक पढ़ना, 18 से 19 तक। हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो हाँ आगे, हाँ बोलो। और जिस बात मैं आज्ञा दूंगा
वही कौन सुनाएगा। हाँ एक मिनट, बाइबल में क्या लिखा है कि मैं तेरे जाति में से तेरे जाति भाइयों में से मैं एक भविष्यद्वक्ता उत्पन्न करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि ये बात किसको कही जा रही है, किसको कह रही है आपको बताइए। अरे मुझे तो पता है आपने ये क्लेम मारा कि नबी के बारे में लिखा है, ये किसको कही जा रही है। ओके तो ये आप ये मेरे जो सेंटेंस में वर्स लिखे हैं, इन द बुक इज डिलीवर्ड टू हिम दैट इज नॉट लर्न सेइंग रीड दिस आई पे दी एंड ही सेड आई एम। अरे अभी रुक जाओ, मैं डिटरोनॉमी 18:18 की बात कर रहा हूं, उस पे भी आते हैं अभी। हां आई विल रेज देम अप फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देयर ब्रेदरन लाइक अंडो दी व्हिच वाज अपकर एंड आई विल पुट माय वर्ड्स इन हिज माउथ ही शल स्पीक देम ऑल दैट आई शुड कमांड। हां कौन कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है अभी इसमें तो नहीं लिखा गया है। तो जब आपको पता नहीं है तो कहाँ भेड़ दिया आपने। अच्छा चलो पैगंबर मोहम्मद एक मिनट रुक जाओ यही रुक जाओ। गॉड क्या कह रहे हैं, मोसेस को कह रहे हैं कि तेरे जाति भाइयों में से एक भविष्यद्वक्ता उत्पन्न करूंगा। मोसेस किस जाति से था आपसे पहले, कौन सी जाति थी भाई मुझे ये बता। नहीं आपने क्लेम मारा मोसेस किस जाति से था, धरती पर हर एक ही जाति। अरे प्यारे भाई किस जाति में से था वो सवाल कर रहा हूँ, गोल गोल ना चक्कर काटो या तो मुझे, हाँ मोसेस किस, मुझे क्या पता। तो जब पता नहीं है तो क्यों। हाँ क्रिश्चियन बोलता हूँ भाई, ऐसा है पहले ना पढ़ के आ जाओ ढंग से, ठीक है ना। ये हमारे साथ ये ना, अरे तुम बोंगे क्लेम मार रहे हो ये बोंगे क्लेम मारने आए हो। मोसेस किस जाति में से था, तुमने एक रेफरेंस उठा के पटक दिया, तुम्हें ये नहीं पता मोसेस किस जाति में से था। जीसस किस जाति के थे, जीसस यहूदी से थे, यहूदा के थे। तो आप जीसस को क्यों मार रहे हो, यहूदी क्यों नहीं मार रहे हो। अबे भाई मेरे मोसेस कौन सी जाति से था, आप ये बताइए। अगर जीसस सीरियसली में नॉर्मल क्वेश्चन जो था, एक ही चीज अरे गोल गोल घूम रहे हैं प्यारे भाई ओ भाई तुमने पैगंबर मोहम्मद को बाइबल में घुसेड़ मारा। पहले तो ये मैंने पूछा कि मोसेस किस में से था, मोसेस इजरायली था और उसका गोत्र था लिवाई। सुनो और पैगंबर मोहम्मद किस जाति से था, किस जाति से था तो वो तुम बताओ ना। तुमने कहा वो जो रेफरेंस तुमने पटका है उसके सामने की बात कर रहा हूँ मैं। जब तुम्हें पता नहीं है तो क्यों कह रहे हो। पैगंबर मोहम्मद तो इजरायली था ही नहीं, ठीक है ना, तो बात ही खत्म हो गई। वो तो पता नहीं क्या कुरैश में से था। ऐसा अरे प्यारे भाई, अच्छा तुम इस वाली जाति को अपनी जाति में जोड़ रहे हो। कौन सी वाली जाति, जो जातिवाद को तुम कह रहे हो तुम अपनी जाति से जोड़ रहे हो, जो जैसे तुम्हारे यहाँ जातिवाद लिखा हुआ है। अगर मैं दिखा दूं कि तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है तो फिर क्या करोगे, धर्मांतरण करो और उसके बाद उनका कत्लेआम करो। मैं दिखा दूंगा, लग गई सर चल। अरे प्यारे भाई रुक जा भाई, तुम्हारी तरह आधे अधूरे के साथ नहीं बैठते ना, रुक जा। हाँ अरे प्यारे भाई रुक जा, चावल के लिए धर्म तो नहीं बदल सकते ना। अरे चावल के तो श्री कृष्ण ने सुदामा से लिए थे ना। किस चीज के भाई, धर्मांतरण के। अच्छा सुनो भाई तुम अपने, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे घर वाले कितने उसमें बिके थे। हमारे किसी में नहीं बिके थे, किसी में नहीं बिके थे, किसी में नहीं बिके थे। नहीं अच्छा ये बता दो कि वो श्री कृष्ण ने चावल क्यों खाए थे सुदामा से, बिना चावल खाए नहीं काम चलता था क्यों। हाँ क्यों, उनके फ्रेंड थे, उनकी मर्जी। अच्छा आपको, अच्छा हाँ अच्छा, श्री कृष्ण चावल के बिना बात नहीं करते, औरतों के बिना बात नहीं करते, 16,000 नारियों के बिना बात नहीं करते, उनके अधरों को और होंठों को काट लेते उसके बिना बात नहीं करते। अरे प्यारे भाई जिहाद करने की शिक्षा तुम्हारे उसमें है, धर्मांतरण। अरे रुक जाओ, धर्मांतरण तो पकड़ो,
अरे धर्मांतरण, अरे धर्मांतरण तो पकड़ लो। हाँ देखो 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 अच्छा गीता 18, अरे गीता 18:66 बोल दो। सुनिए तो कभी, हाँ सही, आपके कम से कम ये नहीं है कि बाइबल में छोटी बच्चियों के साथ शादी करने के बारे में जो लिखा है। कहाँ लिखा है जरा दिखाना, कहाँ लिखा है रेफरेंस? मतलब आपको सच समझ नहीं आती बात। अरे रेफरेंस, 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 ओके जेनेसिस 20:12 ये रहा, मैं आपको भेज देता हूँ। जेनेसिस 20:12 हाँ, ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट में ऐसी खोल लेता हूँ जेनेसिस। अरे रुक जाओ ना, अरे रुकोगे ये लो, अरे रुक जाओ चाचा। अरे एक मिनट रुक जाओ, कौन सा स्क्रीन पे? कुलूस स्क्रीन पे देखिए। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, कहाँ है कहाँ है? 12 एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने अभी निकाला, तो मुझे पता था तुम यहीं कूदोगे, कूदना पड़ेगा। अरे हाँ कूदो, कोई बात नहीं, हम देख ले। अरे मुझे अरे रुक जाओ सूरज भाई, पहला कुरंतियों 7:36 खोलो, पहला कुरंतियों 7:36 स्क्रीन शेयर कर दो भाई को, दिखाओ इनको अंग्रेज, पहले तुम अंग्रेजी पढ़ लो भाई, क्या लिखा है यहाँ पे? Behaves himself unseemly toward his virgin daughter, uh-huh. if she be past the flower of her age, uh-huh. जो बालिक उम्र से बड़ी हो जाती है, uh-huh. and if he is so required, uh-huh. let him do what he is sinneth not, uh-huh. let them marry, uh-huh. 27 but he does send it steadfast in his heart, having no necessity but the heart power as touching his own will, and heart determined that this is his own heart to keep his on virgin daughter shall do well. 38 so them both he that given his part virgin daughter in marriage not well, and he that giveth her not is in marriage shall do better, he that giveth her not in marriage shall do better. Bible permits man to marry on sister. Kya matlab hua iska? अपनी बहन से शादी करने का। भाई तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? बिल्कुल कतई अंगूठा छाप चीपड़े हो क्या? क्या हुआ, तुम्हें अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आती, तुम्हें अपना नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। चलो मैं तुम्हें हिंदी में सुनाता हूँ, रुक जाओ। अरे रुक जा भाई रुक जा, पहला कुरंथियों, अरे रुक जा अनपढ़ भाई रुक जा यार, तुझे ये नहीं पता, पहला कुरंथियों, अरे रुक जा, अरे रुक जा ब्रह्मपुत्र, रुक जा भाई रुक जा, क्या था पहला, अरे रुक तो जा पहला, अरे रुक जा 7:36, अरे घोड़े गधों से पैदा हुए 7:36, हाँ रुक जा पढ़ लो, तेरे को हिंदी में सुनाता तुझे अंग्रेजी नहीं आएगी। हाँ यहाँ लिखा है, यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी कुंवारी का हक मार रहा हूँ, ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसके जवानी ढल चली है यानी वो बूढ़ी हो रही है, ठीक है, और प्रयोजन भी होए तो जैसा चाहे वैसा करे, ऐसे में पाप नहीं उसका ब्याह होने दे। यादे अगर लड़की की उम्र बढ़ रही है यानी बूढ़ी हो रही है तो उसकी शादी करवा दो। अनपढ़ इंसान, तुम्हें हिंद ना अंग्रेजी समझ में आती, हिंदी समझ में आई? हाँ मुझे आपसे अच्छी आती है, हिब्रू आती है? हाँ हाँ, तो आपके जो जीसस से कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, हिब्रू की अब्रामिक? हाँ हिब्रू अब्रामिक एक ही है, बोलो बोलो। हाँ तो आप बात बताइए, आपको आती है क्या समझ? हाँ बोलो ना, तुम्हें आती है तो तुम पढ़ के सुना दो। नहीं मेरे को आती है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन नहीं रहे थे, सुनिए तो खरी। हाँ जेनेसिस 20:12 में स्क्रीन शेयर किया, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ESV, एंड मोर ओवर शी इज इंडेड माय सिस्टर द डॉटर ऑफ माय फादर बट नॉट डॉटर ऑफ माय मदर एंड शी बिकेम माय वाइफ, बाइबल अप्रूव टू डॉटर टू गेट ऑन फादर ड्रंक एंड रेप हिम। क्या 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 पढ़ के देख लीजिए। हाँ क्या, हाँ मुझे पता है क्या लिखा है, जेनेसिस 12:20 पढ़ के देखिए। हाँ 20:12 सॉरी, हाँ मुझे पता है, हाँ उसमें क्या लिखा है आप पढ़िए तो सही। अरे मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, पढ़िए। हाँ जेनेसिस क्या लिखा है, जेनेसिस 20:12 20:12
फिर भी सचमुच वह मेरी बहन है, और बहन है वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरे माता की बेटी नहीं है, वह फिर मेरी पत्नी होगी। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें आप इस वर्जन में देखिए, हाँ हाँ, कि साफ साफ लिखा गया है, हाँ हाँ, she is indeed my sister, हाँ हाँ, the daughter of my father, हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हाँ हाँ, कि मेरे बाप की बेटी। ओ भाई अनपढ़, ओ मेरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ चाचा, ठीक है। हाँ, तुम्हें इसमें क्या समझ में आ गया तुम्हारे को? इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने ही क्या बोलते हैं, दो बेटी को, क्या यार कितनी गंदी बात लिखी। अरे गंदी बात तो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, इसमें क्या गंदी बात लिखी, पहले गंदी बात तुम मुझे समझो। हाँ, मुझे तो दिख गई। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक बात बताओ, मौका जो दे रहे हैं ना, ये एक चीज बताता हूँ, हाँ हाँ, सुनिए तो खाली सर, हाँ हाँ सुनिए तो सही, हाँ 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 हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा सिर्फ यही था सीधी बात। अरे मेरे को ये तो बताओ, अंग्रेजी पढ़ने वाले भाई अनपढ़, हाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हम लोग क्या कहते हैं ना, मसीह में हम सब लोग भाई बहन है, ठीक, सब भाई बहन, मसीह में हम सब भाई बहन है, और यीशु को दाऊद की संतान कहा जाता था, ठीक है ना, दाऊद की संतान, इसलिए अबे सुनो मेरी बात, अरे सुन ले चाचा, ओ सुन ले, अरे सुन तो, सॉरी, देख गाली देगा, गाली देगा तो मैं भी उठा के बाहर फेंकूंगा, ज्यादा गाली गुली मत दे, समझ गया ना, औकात मेरा, बताओ ने, मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, तुम सर पे चढ़ मत, नहीं तो मैं उठा के बाहर फेंकूंगा तेरे को, एक सेकंड में। अरे सुन सुन, देख देख, हाँ बहन सूरज भाई, जरा इनको अभी रिसेंट वाली वीडियो का रेफरेंस दिखाओ इनको, ब्रह्मा वाला, अरे रुक जा, मैं उस पर, हाँ हाँ, अरे मैं किस, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछिए इनसे, क्या ही था, एक ही क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अरे कौन सा क्वेश्चन है, अरे कौन सा क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन क्या है, अरे सर से पूछिए आपके, अरे तुम बोलो ना, क्वेश्चन करो, जीसस जो है उनके फादर जो है उनका क्या हुआ, अगर उनके फादर जिंदा है तो वो गॉड कैसे हैं, जीसस, जिनके फादर जिंदा है, ओ भाई नशे में, कौन से, कौन है जीसस के फादर, ही इज द सन ऑफ गॉड, जीसस आपके बाइबल में नहीं लिखा है, हाँ ही इज द सन ऑफ गॉड लिखा है, हाँ ही इज द मैसेंजर नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, चलो सन ऑफ गॉड लिखा है, हाँ सन ऑफ गॉड, हाँ 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 सन ऑफ गॉड लिखा है, मतलब उनके फादर का क्या हुआ, कौन थे फादर, कैसे बन सकते हैं, अरे कौन थे फादर, हैं अरे भाई, एक भाई एक बात सुन, एक बात सुन, एक मेरी बात सुन, अरे सुन मेरी बात, एक काम करो, सबसे पहले जो जो तुम वो नमक सूंघ के आए हो ना, सस्ता नशा, उसका उतरने के बाद बात करना, अरे भाई तुम सन ऑफ गॉड लिखा है, सन ऑफ गॉड कौन है, किस, कौन है गॉड, हाँ बाइबल में सन ऑफ मैन भी लिखा है, जीसस को ही, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड भाई रुकने का, विष्णु गॉड है कहा, अरे रुक जा भाई, रुक जा, होल्ड इट ब्रो, होल्ड इट, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, एक मिनट मैं निकालूं, गीता, वेर इज गीता, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, श्लोक 62, हाँ यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति का परम नित्यधाम प्राप्त करोगे, ठीक है, और 61 में कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर है, अब परमेश्वर कौन है, आप बताता हूँ आपको, एक मिनट, हाँ हाँ, परमेश्वर का भी डिफरेंस दे देता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ हाँ, कौन शेयर कर रहा है ये, गूगल डिपेंडेबल नॉलेज भाई, हर बात गूगल सर्च करते क्या भाई, ओ भाई के पास किताब, हाँ किताबें नहीं है ना, अर्थ तो पता ही नहीं है यहाँ पे, एक काम,
अरे जल्दी करो यार, एक घंटे में ना सिर्फ दिमाग चाटा, तुम्हारे को कुछ नहीं आता जाता यार, नमक सूख के आ गए। तो कर यार, एक मिनट ब्रो, एक मिनट, डेढ़ घंटा हो गया भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, खत्म कहानी है तुम्हारी। हम यही बात बोलेंगे, रामायण किसने लिखा उसका पता नहीं। मेरा क्वेश्चन जो था वो आप कैंसर क्यों नहीं दे रहे एक बार? अरे कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे दो, ये आपके जो जीसस के फादर कौन है? वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है? आपके में तो लिखा है कि वो सन ऑफ गॉड है, तो गॉड ही बैठे हुए होंगे ना। सन ऑफ गॉड है तो कहाँ, सन ऑफ गॉड है तो क्या मतलब है सन ऑफ गॉड का? सन ऑफ गॉड मतलब गॉड उनके पापा होंगे। हाँ तो गॉड उनके फादर है, तो कौन है गॉड? गॉड कौन है? हाँ गॉड गॉड है। कौन है गॉड? गॉड विष्णु है। कहाँ पे? कहाँ पे मतलब क्या? अरे एक मिनट भाई, जरा इनको वो दिखाना जो विष्णु की पूजा करता है, उनका क्या होता है? हाँ वो टट्टी का कीड़ा बन जाता है भाई, 100 सालों तक टट्टी का कीड़ा बन के रहता है कम से कम। सर बगैर बाप के तो फिर वापस कहता हूँ, बगैर बाप के पैदा तो नहीं होना पड़ता है। हाँ तो वही बात है ना कि टट्टी का कीड़ा बन के रहते हैं, ये है सौर पुराण में भाई, सौर पुराण पढ़ते लिखते हैं नहीं, टट्टी का कीड़ा बनते बगैर बाप के पैदा हो जाते हैं। हाँ जैसे श्री राम घोड़े से पैदा हो जाते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, ब्रह्मा जी ने वो सरस्वती की ठुकाई क्यों करी थी? बताऊं ना आपको? हाँ जीसस पैदा हो सके। अच्छा पर वहाँ पे तो मनु पैदा हो गया, फिर मनु से सरस्वती ने शादी कर ली। तो मनु और एडम में क्या अंतर है सर आपके में? है एडम तो सीधा बनाया गया था मिट्टी से, पर वहाँ पे तो जरा भाई को रेफरेंस दिखाओ। एक मिनट रुक जा, रेफरेंस एक तो बुक है आपके पास, उसमें भी रेफरेंस मांग रहा। अरे मैं तुम्हारी बुक का रेफरेंस दिखा रहा हूँ, दिखाओ भाई को रेफरेंस। अरे आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछा, आप मेरे आंसर देने के लिए? अरे भाई तुम्हारे तुमने कहा गॉड विष्णु है भाई, वो कह रहा है तुम्हारा सौर पुराण की जो विष्णु की पूजा करता टट्टी का कीड़ा बन जाता है, मैं क्या करूँ भाई इसमें? अरे बात तो सुनिए सर पहले, तुम्हारे ग्रंथ कह रहे हैं कि टट्टी का कीड़ा बनता है, भागवत में लिखा है जो विष्णु की पूजा करता है उसकी टट्टी नहीं उतरती है। अरे मैं तो तुम्हारे ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, तुम उससे क्यों भाग रहे हो? नहीं जवाब दिया जा रहा। अरे रुक, तुम्हारे गॉड की पूजा करने से टट्टी का कीड़ा बनते हैं। अरे आपके ग्रंथ में, आपकी ग्रंथ तो बात कीजिए सर। अरे तुम्हारे तुम हम क्या तुम जो हो तुम्हारे जो है टट्टी का कीड़ा बन बुना के घूम रहे हो, तो यार हम तुम गु के कीड़े से क्या बात करें? क्या? हाँ सही बात है, ये बात तुमने बिल्कुल कहा सही, सारा इसराइल से हथियार ले रहे हैं, इसराइल से और भी चीजें ले रहे हैं, हम क्या करें? हाँ हम तो हथियार ले रहे हैं, आप उनका ले रहे हो, हम क्या ले रहे हैं? तुम अच्छा वो तो बताओ, वो शिव जी भी हिला रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? अरे सर वही बेचारा सूरज भाई, इसका तो हो गया काम, बस खत्म कहानी इसकी। हाँ भाई भाई सो कहना चाहिए, एक जिसका खड़ा नहीं होता, सो क्या बोलते पता है? उसे उसे कहते हैं शिव 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 नाम शिव शिव हाँ शिव 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 भाई शिव शिव दिखाओ, शिव को दिखाओ, इनको स्क्रीन शेयर करो इनको दिखाओ, जिसका कट कट के गिर जाता था। जी जी इसको दिखाओ और इसको, हाँ हाँ जंगल में मंगल कर रहे थे और उसका कट के गिर जाता है, फिर इनको दफा करो, हो गया वो। कट गया ना है अभी, दिखा दो इनको, फिर इनको टाटा करो और हम इनकी ये डिबेट चढ़ा देंगे उस पे। ये देखिए, हाँ ये रहा देखो, ये रहा, पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़ा दो इनको। अरे पलट गया, हाँ ये रहा, अरे शिव का लिंग गिर गया, और क्या था शिव जिसका लिंग कट जाता होता है ना, मर दिया रहा तुम्हारे शिव जी का। चलो भाई ऐश करो, चलो टाटा है, बाय बाय। और एक और पढ़ा दो, एक और पढ़ा दो, ये है दिखाना भाई को शिव पुराण, ये है, अरे फिर पलट गया, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 4 श्लोक 12 दिखा दो, अध्याय 12 सॉरी, ये देखो यहाँ लिखा है करके स्वयं हिला रहे थे, हाँ कोई अलिंगन करने लगी, हाय हाय हाय, हाथ
मगन हो रही थी का, फिर इसलिए तुम्हारा लिंग पृथ्वी पे गिर पड़े, फिर वो कट गया। चलो ये गॉड का रियल कैरेक्टर, ये होता है लॉर्ड का रियल कैरेक्टर। चलो भाई चलो इनको टाटा करो, हो गया इनका। चलो अपने शिवजी का लिंक ढूंढो जाके, ठीक है ना, बाय। दोन के लिंक फिर देना। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। तो फाइनली आपने पूरी डिबेट सुन ली और आशा है आपको बहुत मजा आया हो। तो जब टुन्नी के ही धर्म ग्रंथों में जिहाद मिल जाता है और नामर्दी वाला हिसाब किताब मिल जाता है और बहुत सारी वो चीज़ें जो दूसरों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं इन्हीं के धर्म ग्रंथों में मिलती हैं, तो ये बेचारे हो जाते हैं बावले। और जब जवाब नहीं दिया जाता तो देने लगते हैं गालियां इधर उधर की बात और दूसरे को नीचे गिराया कैसे। और भाई साहब आए थे हमारे को धर्म का ज्ञान देने के, भाई यदि आपका धर्म अच्छा है तो दूसरे पे अभियोग क्यों लगाते हो, दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, अपने धर्म की बात करो। वही तो हम कहते हैं कि अगर आपका धर्म में इतना दम है तो क्यों बाइबल पे और इधर उधर की वीडियो बनाते हो, सीधा अपने धर्म का प्रचार करो जैसे हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे को तुम्हारे धर्म को कहने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बतेरी चीज़ें हैं। एक चीज पक्की है कि हमारी 66 किताबों की बाइबल तुम्हारी इतनी सारी किताबों के ऊपर अकेली भारी है। तुम ना ही अपनी गीता का ढंग से प्रचार कर सकते, ना ही रामायण का प्रचार कर सकते, ना ही ढंग से वेदों का प्रचार कर सकते, किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकते, केवल दूसरों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हो। और जब तुम्हारा नंबर लग जाता है, कोई तुम्हारा नंबर लगाने लगता तो तुम लोग रोने लगते। और मजे की बात यह है कि जब टुन्नियों को खुद कुछ नहीं मिलता तो बाइबल और इस्लाम को जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे इस्लाम इतना गंदा तो बाइबल तो ऑटोमेटिक क्रिश्चियनिटी भी गंदी होगी। जिहाद की शिक्षा तुम में, धर्मांतरण की शिक्षा तुम में, हर तरीके की जो उल्टी सीधी शिक्षा तुम्हारे अंदर, अपने धर्म ग्रंथों की कभी शक्ल उठा के पढ़ो। यार अंत में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब। आपको धन्यवाद।